दिल्ली के रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। जेपी नड्डा का केजरीवाल पर करारा प्रहार, कहा दिल्ली सरकार ने गली गली तक पहुंचाई शराब, 6% खाया कमीशन। नड्डा ने कहा झूठ बोलना, बरगलाना, गलत आंकड़े देना है केजरीवाल की फितरत, करप्शन में कांग्रेस से आगे निकली आप। नड्डा ने कहा घोटाले वाली सरकार के 3 मंत्री जेल में, जेल और बेल के बीच में घूमने वाले केजरीवाल के हैं विधायक। नड्डा ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर भी किया हमला, कहा स्कूल क्लासरूम कोर्स नहीं, पीटते हैं झूठ का ढिंडोरा। नड्डा ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली को किया बेहाल, आपको जाना होगा, बीजेपी को आना होगा। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम को समन, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा जांच में करूंगा पूरा सहयोग। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बताया आज का भगत सिंह, कहा यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, बीजेवाईएम ने कहा हवाला और शराब घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों की तुलना भगत सिंह से करना उनकी वीरगति का अपमान। आपका केंद्र सरकार पर हमला, समन का कनेक्शन गुजरात चुनाव से बताया, कहा सिसोदिया को रोकने के लिए कल सीबीआई करेगी गिरफ्तार। सौरभ भारद्वाज ने कहा नेताओं की गिरफ्तारी से पार्टी होगी मजबूत, गुजरात की जनता जानती है सच। पीएम मोदी ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को किया लॉन्च, आजादी के 75 साल के मौके पर 75 जिलों में 75 यूनिट्स राष्ट्र को किए समर्पित। पीएम मोदी ने कहा देश में चल रहा है आम आदमी के जीवन को आसान बनाने का अभियान, डिजिटल बैंकिंग से मिलेगी सुविधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा गरीबों के पास बैंक खाते को लेकर उठता था सवाल, आज पूरे देश में दिख रहा है ताकत। कल जारी होगी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त। पीएम मोदी 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भेजेंगे 16,000 करोड़। प्रधानमंत्री कल दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसान सम्मान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, यहीं से जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त। पीएम मोदी गुजरात में करेंगे आयुष्मान कार्ड का वितरण, पीएमजेवाईएमए योजना के तहत कल शाम 4 बजे से बांटे जाएंगे कार्ड। देश में पहली बार हिंदी भाषा में डॉक्टरों की पढ़ाई की शुरुआत, भोपाल में हिंदी में लिखी 3 किताबों का गृहमंत्री अमित शाह ने किया विमोचन। अमित शाह ने आज के दिन को भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बताया, कहा स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में होगा दर्ज। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने प्राथमिक, टेक्निकल और मेडिकल की शिक्षा में मातृभाषा को अहमियत देकर लिया ऐतिहासिक निर्णय। सीएम शिवराज ने कहा हिंदी में पढ़ाई से गरीब बच्चों की जिंदगी में आएगी एक नई रोशनी, आरएक्स की जगह लिखे श्रीहरि। रुपया कमजोर होने पर निर्मला सीतारमण का बयान, हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है, किसी दूसरी करेंसी की तुलना में रुपया काफी अच्छा कर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पष्ट नियम बनाने पर दिया जोर, कहा G20 के सदस्य करें चर्चा। काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, यूक्रेन युद्ध और हिंद प्रशांत पर की गई चर्चा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 39वां दिन, राहुल ने आज बेल्लारी के संगनाकल से शुरू की यात्रा। अभी कर्नाटक में ही चल रही है राहुल गांधी की यात्रा, कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। हरियाणा के गृहमंत्री का पंजाब के सीएम पर तंज, विज बोले SYL से दिक्कत तो नाम बदल देते हैं, भगवंत मान को गलत किताब पढ़ाई गई। SYL मुद्दे पर बोले अनिल विज, मीटिंग होनी थी नहर के लिए रास्ता बनाने पर, मगर सीएम मान पंजाब में पानी की कमी का रोना रो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आतंकवादियों ने चौधरी गुंड में बागीचे की तरफ जा रहे पूरन कृष्ण भट्ट को कल मारी थी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई थी मौत। टारगेट किलिंग को लेकर घाटी के लोगों में जबरदस्त आक्रोश, सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, बदला लेने की मांग की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की 2 टूक, नहीं बख्शे जाएंगे कायर आतंकी। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मोतियाबिंद की सफल सर्जरी हुई, ऑपरेशन के बाद सेना के अस्पताल से मिली छुट्टी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2401 नए मामले, 2373 लोग हुए स्वस्थ, नए मामले में घटने से एक्टिव केस की संख्या भी हुई कम। देश में अब तक कुल 26,625 एक्टिव केस। दिवाली से पहले दूध कंपनियों ने दिया महंगाई का झटका, अमूल और मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति किलो दूध की बढ़ाई कीमत। मदर डेयरी और अमूल का फुल क्रीम दूध 61 की बजाय 63 रुपए प्रति किलो हुआ, आज से बढ़ी हुई कीमतें लागू। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदरशाम अरोड़ा गिरफ्तार, विजिलेंस के अफसर को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने का आरोप। कैप्टन सरकार में मंत्री रहे हैं सुंदरशाम अरोड़ा, पहले से चल रही थी विजिलेंस की जांच। कर्नाटक के हसन में बड़ा हादसा, टेम्पो की दूध के वाहन से जोरदार टक्कर में 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। हसनब्बा मंदिर का दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, हादसे में कई लोग घायल, पास के अस्पताल में चल रहा है इलाज। माफिया जफर की गिरफ्तारी पर मुरादाबाद SSP का बयान, चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में जफर को लगी गोली, लगातार जफर की तलाश में लगी थी यूपी पुलिस। दिल्ली भागने की फिराक में था जफर, इलाज के बाद विस्तार से पूछताछ करेगी मुरादाबाद पुलिस, जफर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। अमरोहा के गजरौला में बस ने ट्रैक्टर ट्रोली को मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 10 लोग घायल हो गए। बस की ज्यादा स्पीड में होने से हुआ हादसा, घायलों का इलाज जारी। गुजरात के कराई पुलिस एकेडमी में दीक्षांत परेड समारोह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ली सलामी। नहीं रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मांडवी, हार्ट अटैक के कारण हुआ निधन। 3 बार से थे कांग्रेस के विधायक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनोज सिंह मांडवी के निधन पर जताया शोक। हरियाणा के झज्जर में महिला सिपाहियों के साथ मारपीट, कई महिला सिपाही घायल हो गई। शिकायत दर्ज करवाने आए 2 पक्ष का विवाद बढ़ा, 1 पक्ष ने महिला सिपाहियों से की मारपीट, 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर के रावतपुर में डायरिया का प्रकोप, 1 बच्चे की मौत के बाद जागा एडमिनिस्ट्रेशन। डायरिया फैलने के कई दिनों बाद पहुंची मेडिकल की टीम, डीएम के निर्देश पर साफ सफाई शुरू। यूपी के मथुरा में फैलने लगा डेंगू, सीएमओ ने उपचार और बचाव के लिए लगवाया कैंप।
शौक नगर पंचायत और नीम गांव में मिले डेंगू के केसेस, प्रशासन ने करवाया साफ सफाई। मेरठ में भी बढ़े डेंगू के मामले, इस महीने अब तक 29 नए केस। स्वास्थ्य विभाग का डेंगू पर नजर, कुल 48 टीमें कर रही है काम। यूपी के देवरिया में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया, कई इलाकों में बाढ़ के हालात, सड़कों को पहुंचा नुकसान, फसलों को लेकर चिंतित हैं किसान। सड़कें टूटने से कई गांवों में घुस गया पानी, लोग पशुओं को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे, प्रशासन ने राहत कार्य चलाने के दिए आदेश। कर्नाटक के हासन में दो गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर, 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के कटिहार में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 2 लोगों की मौत, 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हादसे में 5 लोग लापता, राहत और बचाव का काम जारी, मजदूरी कर लौट रहे थे ग्रामीण। मेरठ में यूनिक आईडी की तैयारी में जुटा नगर निगम, सरकार के आदेश के मुताबिक हर मकान और हर दुकान का होगा यूनिक आईडी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाफ मैराथन का आयोजन, मैराथन में दिल खोल के दौड़ी दिल्ली। दिवाली पर सरकार ने सरकारी क्षेत्र की 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों को दिया 12% वेतन बढ़ोतरी का तोहफा, 5 साल का एरियर भी मिलेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 6 पायदान लुढ़का, 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए ऑस्टिन में वैज्ञानिकों ने बनाया ईटाटू, 300 मिनट तक ब्लड प्रेशर पर रख सकता है नजर। बीजिंग में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की शुरुआत। जिनपिंग ने देश को किया संबोधित, कहा गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। शी जिनपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार का दिया भरोसा, कहा चीन के लिए अच्छी रणनीति बनाते रहेंगे। ताइवान को लेकर राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं, अलगाववाद के खिलाफ किया बड़ा संघर्ष, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में सक्षम है चीन। हांगकांग को लेकर जिनपिंग ने कहा चीन ने हासिल किया हांगकांग पर संपूर्ण नियंत्रण, अराजक देश से शासन में बदला। एक हफ्ते तक चलेगी नेशनल कांग्रेस, 2,296 प्रतिनिधि, नेतृत्व परिवर्तन से लेकर कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नेशनल कांग्रेस के बाद 23 अक्टूबर को हो सकता है टॉप लीडरशिप में बदलाव, शी जिनपिंग हासिल कर सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन का दर्जा। पाकिस्तान को बाढ़ के कहर से उबारने में लग सकते हैं 3 साल, वित्त मंत्री शाकदार का बयान, $32 अरब से ज्यादा का नुकसान हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने ब्रिटेन की टैक्स कटौती योजना को बताया गलती, कहा बढ़ती महंगाई के बीच दूसरे देशों की नीतियां अमेरिका को पहुंचा सकती हैं नुकसान। ईरान की राजधानी तेहरान की जेल में उठी आग की लपटें, गोलियों की आवाज सुनी गई, वीडियो हुआ वायरल। एविन प्रिजन में आग और गोलीबारी की वजह साफ नहीं, ईरान की सबसे बदनाम जेल है एविन प्रिजन, ज्यादातर राजनीतिक और सरकार विरोधी कार्यकर्ता हैं कैदी। ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर क्विटो में प्रदर्शन, ड्रेस कोड और ईरान की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो के सिलो के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, पेड्रो के महल तक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने किया मार्च। यूक्रेन के ज़ाबरीजिया में रूस का मिसाइल अटैक, एक पार्किंग में खड़ी गाड़ी और एक इमारत को कर दिया तबाह। युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या 65,000 के करीब पहुंची, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा। तुर्की में कोयला खदान विस्फोट में मरने वालों की संख्या 41 हुई, घटनास्थल पर पहुंचे राष्ट्रपति रेसेप तैयब, कई लोगों ने किया घेराव। ट्यूनीजिया में राष्ट्रपति कैस सईद की सरकार के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, महंगाई और एनर्जी रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे हैं लोग। मेक्सिको में स्टार वॉर्स के फैंस की परेड, 80 के दशक के साइंस फिक्शन शो के खरीदारों की वेशभूषा में हुए शामिल लोग। चिली के सेंटियागो में हुई जॉम्बी वॉक, अल्माग्रो पार्क में जॉम्बी बनकर आए लोग। फिल्म मेकिंग में अपनी किस्मत आजमाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, पहले प्रोजेक्ट में बड़े स्टार्स के लेने की प्लानिंग, कैमियो में भी आ सकते हैं नजर। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने किया रैम वॉक, बेज कलर के लहंगा चोली में लगी बेहद खूबसूरत। जानवी कपूर की फिल्म मिली का ट्रेलर रिलीज, -16 डिग्री में फंसी नजर आई जानवी। जानवी के साथ बोनी कपूर और जावेद अख्तर ने किया मन शेयर, जानवी ने करवाया फोटोशूट। सलमान खान ने अपनी नई फिल्म की रिलीज डेट 2023 तक टाली, किसी का भाई किसी की जान, अगले साल ईद के मौके पर होगी रिलीज। सलमान खान ने ट्वीट कर दी टाइगर 3 की रिलीज डेट को टालने की जानकारी, अगले साल दिवाली पर होगी टाइगर 3 रिलीज। नोरा फतेही ने आलमंड रंग की साड़ी में कराया फोटोशूट, वीडियो पोस्ट करके कहा हां मुझे प्यार हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में लौटी माधुरी दीक्षित, नया दौर के गाने पर दिखाई अदाएं। फैशन शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लिया डिजाइनर का चश्मा, गॉगल पहनकर दिखाया टशन। मौनी रॉय ने देसी अवतार में किया रैंप वॉक, लहंगा चोली में लगी ग्लैमरस। जॉन इब्राहिम मानुषी छिल्लर की एक्शन फिल्म तेहरान की शूटिंग पूरी हुई, जॉन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। नहीं रहे हैरी पॉटर फिल्म में हैग्रिड का किरदार निभाने वाले एक्टर रॉबी कॉल्ट्रॉन, लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लोकल ट्रेन में सीट तक पहुंचने के लिए स्पाइडरमैन बना एक शख्स, तस्वीरें हुई वायरल। और इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटा, आसमान से दिखा विशाल लावा और धुएं का गुबार।